स्टार रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र काफी टाइम से चर्चा में बनी हुई है। इसके चर्चा में बने रहने की वजह इस फिल्म की रिलीज डेट। रणबीर कपूर की ये फिल्म इस साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो रही है और उसी दिन सलमान खान की फिल्म दबंग 3 भी रिलीज हो रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इन दोनों फिल्मों के बीच हमें जबरदस्त क्लैश देखने को मिलेगा। लेकिन आज हम आपको इस फिल्म के बारे में एक और नई जानकारी देने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है, जबकि करण जौहर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस फिल्म की शूटिंग अब तक कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर काम चल रहा है, लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म के दूसरे पार्ट पर काम शुरू हो चुका है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने इस फिल्म के दूसरे पार्ट के इम्पोर्टेंट सीन को शूट कर लिया है। रणबीर कपूर की ये फिल्म कई पार्टों में बनने वाली है, जिसके दूसरे पार्ट की शूटिंग इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही शुरू कर दी गई है। अक्सर बॉलीवुड में देखा जाता है कि जब कोई फिल्म हिट हो जाती है उसके बाद उस फिल्म के दूसरे पार्ट की शूटिंग शुरू की जाती है, लेकिन ब्रह्मास्त्र अब एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जिसके पहले पार्ट के रिलीज होने से पहले उसके दूसरे पार्ट की शूटिंग शुरू कर दी गई है। ऐसे में इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट के रिलीज होने से पहले इस फिल्म के दूसरे पार्ट पर काम करने की वजह से मेकर्स को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई तो ऐसे में मेकर्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आप इस फिल्म के दूसरे पार्ट की शूटिंग स्टार्ट होने के बारे में, साथ ही इस फिल्म के सलमान खान की फिल्म दबंग 3 से क्लैश होने के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। हमारे नए वीडियो की जानकारी के लिए इस घंटे का आइकन को दबाना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।